तो फ्रेंड क्या आपको भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही है जब भी आप अपनी फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं अपना नंबर डाल के और पासवर्ड डाल रहे हैं तो आपको लॉगिन एरर प्रॉब्लम आ जा रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर ना हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना और साथ में मैं बोल रहा आप रिपोर्ट भी डाल देना वीडियो पे। तो इस वीडियो पे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, आपको वीडियो फुल हेल्पफुल लगे ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो में लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट कर दें। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर मैं आपको 4 सॉल्यूशन दूंगा। 4 सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट हैं, आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं एक एक वाइस आपको 4 सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको यह प्रॉब्लम में पहले मैं जो बताऊंगा, अगर आप एक गेमर हैं तो आपको अगर गेम में आईडी लॉगिन करनी है तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा क्या करना है आपको। तो अगर आपको आईडी यूज़ करनी है तो वो भी आपकी फेसबुक वैसे जैसी आपकी पहले चलती थी सेम वैसे ही आपकी चलने लगी। चलिए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में बताता हूँ आपको क्या करना है। चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह प्रॉब्लम मेरे खुद अकाउंट में आ रही है और मैं आपको लाइव प्रूफ यह प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, आईडी पासवर्ड डाल के अपना सबको डाल के लॉगिन करता हूँ आपके सामने और फिर सेम आपको वीडियो में आपको लॉगिन करके यूज़ करके बता दूंगा फेसबुक। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो सिंपल से आपको लॉगिन एरर आ जा रही है। इसलिए आता है कि आप कुछ या फेसबुक में ऐप में आप कुछ ही जाना ट्राई करते हैं, किसी का अकाउंट अपना अकाउंट किसी का पासवर्ड भूल गए तो आपका उसको पासवर्ड बार बार गलत डाल के उसे ट्राई करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कुछ ट्राई कर लेते हैं इसलिए वो लॉगिन एरर हो जाता है। आपके फ़ोन में फिर कोई भी आईडी ओपन नहीं होगी। तो बता दूं आप यह आईडी पहली बार तो आप क्रोम में बिल्कुल करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप मेरी मेन आईडी जिसके 20,000 फॉलोअर्स हैं उसमें ही यही प्रॉब्लम आ रही है। आप क्रोम में बिल्कुल करेक्ट सॉल्व हो जाएगी है प्रॉब्लम अपने आप, आपकी वहाँ पे आईडी चलती रहेगी। पर बहुत लोगों को क्या, मेरे को खुद को क्रोम में आईडी चलाना पसंद नहीं है क्योंकि ऐप में लॉगिन ही करने में मज़ा आता था और गेम में भी सिंपल से आप कंटिन्यू टू फेसबुक करते हैं, जब भी आपके इंटर होता है गेम में भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सा वही मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले मैं सॉल्यूशन देता हूं नंबर वन कि आपको पहले आप इसे इंस्टॉल कर दें। पहला सॉल्यूशन आपको 3-4 सॉल्यूशन दूंगा, उसमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को पहला अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको पहला जो बताऊंगा वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यह प्रॉब्लम कुछ ईयर पहले नहीं आती थी, अभी कुछ अपडेट्स में आई है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से गूगल पे जाना है और फेसबुक ओल्ड वर्जन 2019 सर्च करना है, या आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप कुछ भी सर्च ना करें। तो सिंपल से आपको जो वेबसाइट मिल रही है टॉप पे उस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको A to Z तो पहले फेसबुक के वर्जन से हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे पहले आपको न्यू मिलेंगे, फिर आपको डायरेक्ट नीचे आना है और डायरेक्ट एंड वाले पेज पे क्लिक करना है। देखिए डायरेक्ट 7 पे क्लिक किया, फिर वहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है, जो भी मेरे को ओल्ड वर्जन मिले ना, आपको जितना ओल्ड मिले उतना आपके लिए सही रहेगा। अगर यह आपके मैं इंस्टॉल ना हो तो आप और कोई ओल्ड वर्जन कर सकते हैं। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करने के बाद आपको जो करना है वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। आपको फुल बिना स्किप करे वीडियो देखते रहना, मैं आपको बता रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको यह प्रॉब्लम है आपकी, इसके बाद आपको कोई वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी, मैं फुल आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ वीडियो में। तो सिंपल से आपको डाउनलोड APK पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड APK पे क्लिक कर देंगे तो वो देखिए कुछ देर डाउनलोड लेके, जब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड पे क्लिक किया तो आपका जैसे ही आपको अगर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, फिर वो जैसे ही डाउनलोड होता रहेगा। वैसे यह पहला जो सॉल्यूशन है वो इसलिए बता रहा क्योंकि आपकी डायरेक्ट जो आप मेन ऐप यूज़ करते हैं उसके लिए है, और वो तीनों सॉल्यूशन ऐसे हैं कि आपको उसमें कुछ डाउनलोड करना होगा, इसलिए यह प्रॉब्लम पहला सॉल्यूशन बेस्ट है। आप भी यही यूज़ करें, जैसे ही आप ओल्ड वर्जन को पहले उसे डिलीट कर दें फिर उसे इंस्टॉल कर दें। तो ये इसको इंस्टॉल करें, जैसे ये इंस्टॉल हो जाए इसमें आपको आईडी लॉगिन करनी है। देखिए देखते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, इंस्टॉलिंग हो रही है। वीडियो बिल्कुल आपको कट नहीं करूँगा, आपको जो भी दिखाऊँगा लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। जैसे ही हो जाए तो आपका सिंपल सा लॉगिन करना है। कुछ में यह प्रॉब्लम आएगी, ऐप नॉन इंस्टॉल बताएगा, तो आपको क्या करना है वो दो तरीके बता रहा हूँ वो आप ट्राई करें। तो जैसे ही आपको आईडी पासवर्ड डाल देना, फिर सिंपल सा आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब कुछ देर यहाँ पे लोडिंग लेगा, जी हाँ आपको ध्यान देना है यहाँ पे कुछ देर लोडिंग लेगा, आपको सिंपल सा 15 सेकंड वेट करना है, फिर देन अपनों को बैकग्राउंड से ऐप हटा देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको कुछ देर ज़्यादातर ओल्ड वर्जन है इसलिए वो सर्वर उसके स्लो आते हैं, तो आपको सिंपल से आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। आपको यहाँ क्या करना है, अपने बैकग्राउंड में जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं ना, एक बार फेसबुक को फिर से हटा दें, फिर से लॉगिन करें इसमें। देखिए जैसे कि मैंने हटा दिया, आप फिर से मैं वो ओल्ड वर्जन पर क्लिक करूँगा तो मेरी आईडी लॉगिन मिलेगी। जी हाँ देख सकते हैं, वही आईडी जिसमें मेरी में प्रॉब्लम आ रही थी वही आईडी यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली लॉगिन हो गई। कुछ ओल्ड वर्जन है इसलिए इंटरफेस गलत दिख रहा है। आपको सिंपल सा फिर क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है
और ऐप को जाके अपडेट कर लेना है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक ऐप को आपने ओल्ड वर्जन किया, डाउनलोड किया, उसमें आईडी लॉगिन कर ली, आपने आईडी यूज़ करते रहेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको सिंपल सा अपडेट कर लेना है, ये रहा आपका ओल्ड वर्जन। इससे आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट पबजी में जैसे आप पहले आईडी यूज़ करते थे वैसे ही आप कर सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान देना है इस पहली वाली ट्रिक में, कि आपको अपनी आईडी लॉग आउट नहीं करना है। अगर आप लॉग आउट कर देंगे तो सिंपल सा फिर आपको वही प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं खुद आपको जो भी है साफ साफ मैं खुद आपको इसी वीडियो में बता के जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपनी जो आईडी यूज़ कर रहे हैं ना, आपको एक ही आईडी यूज़ करनी है, कोई आपको बार बार ट्राई मत करना है कोई और आईडी ओपन करने की, फिर से आपको यही प्रॉब्लम आ जाएगी। और आपको अगर परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, वो आपको परमानेंटली सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कोई है तीन जो ट्रिक बताऊंगा मैं अभी, उनमें से कोई आपको अप्लाई नहीं करनी होगी। सिंपल सा आप देख सकते हैं वही आईडी आपकी लॉगिन हो चुकी है, जैसे कि आप न्यू वर्जन में करते थे। सिंपल सा वही आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको गेम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको यह ओल्ड वर्जन के चक्कर में मत पड़ना हो, आपको कुछ और करना हो, तो मैं आपको जो बताता हूँ आपको दूसरी ट्रिक। आपको दूसरी ट्रिक में क्या करना है, आपको प्ले स्टोर खोलना है अपना और मल्टी स्पेस डाउनलोड करना है। अगर आपके में क्लोन ऐप ना होता हो तो मल्टी स्पेस डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ओपन करना है। फिर देन उसमें आपको क्या करना है, अपनी क्लोन ऐप कर लेना है। इसे गेमर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए गेमर के लिए नहीं है, और जो लोग को फेसबुक यूज़ करनी है उनके लिए। तो आपको क्या करना है, उसमें मल्टी स्पेस से डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो जैसे ही इंटरफेस आएगा कुछ देर बाद आपको आईडी लॉगिन का मिल जाएगा। आप इसमें आईडी लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि क्लोन ऐप हो जाते हैं। और अगर आपके फ़ोन में अगर ऑलरेडी पहले से क्लोन ऐप है ना, तो आप उसमें जाके अपनी सर्चिंग सेटिंग में जाके आप क्लोन ऐप सर्च करें अपनों, क्योंकि किसी किसी के फ़ोन में क्लोन ऐप नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको बताया मल्टी स्पेस। और आपको जो मैंने दो ट्रिक तो बता दी, अभी तीसरी जो है कि आपके फ़ोन में क्लोन ऐप होना चाहिए। किसी किसी का फ़ोन ओल्ड होता है जिसमें क्लोन ऐप नहीं होता है, इसलिए आप इस पर भी क्लोन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने फ़ोन में क्लोन कर दिया ना, तो आप वहाँ पर भी आई डी यूज़ करते हैं। और गेमर के लिए तो वह पहली ट्रिक वर्किंग है, या लोग यूज़ करने के लिए है दो ट्रिक, तो आप क्लोन में भी यूज़ करते हैं। और अगर आपको परमानेंटली सॉल्यूशन चाहना हो, कि आप जैसे ही आप प्ले स्टोर से कोई भी डाउनलोड करें आपको यह कुछ नहीं करना हो, तो आपको अपना फ़ोन रीस्टार्ट यानी कि फॉरवर्ड यानी कि सब कुछ डिलीट होने वाला वैसा न्यू जैसा न्यू फ़ोन आता है आपको वैसा करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यह फ़ोन में आपके में डाटा भर चुका है इसलिए वो नहीं होगी। तो आप अपना फ़ोन रीस्टार्ट कर लेंगे तो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें।